सिंध के गरु वजीर कोरंगी के व्यापारी तंजीम काटी ऑफिस में व्यापारियों के खिताब कंदे है तो खेन हाँ शर्म तो अचे तो वफाकी हुकूमत लाहौर के जो बजट दे थी ओतरो कराची के दिनों वे तो कराची घणो बेहतर थी सके तो आप सबको पता है क्या रिपीट करे बार बार के कराची कितना टैक्स का शेयर देता है फेडरल गवर्नमेंट बिगेस्ट ही बिगेस्ट मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि अगर फेडरल गवर्नमेंट जितना लाहौर को दे रही है अगर उससे आधा भी हमें सपोर्ट में दे दे तो शायद लाहौर से बेहतर मिल जाए। सोहेल छाल चयो तो वफाकी हुकूमत जो सिंध सां रवैयो एक अलमियो आहे सिंध गैस पैदा करे थी पर आईनी हक बावजूद खेन गैस भी नथी दिनी वने अलमिया फेडरल गवर्नमेंट का सिंध के साथ मैंने आपको बताया कि लाहौर 50% हमारी जो नेचुरल गैस है वो हमसे दी जा रही है मिनिमाइज रेट पे। हमें कहा जा रहा है कि आप पहले भी लें महंगे रेट्स में जबकि 18th अमेंडमेंट के बाद ये टाइम में है कि आप जो है पहले जिस सूबे से निकलती है पहले जिस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है उसकी जो जरूरत है वो पूरी करें फिर प्रोविंस की फिर दूसरे सूबों में दें या अलमिया दूसरा। सोहेल छाल कराची में अमन के क्रेडिट खण से वफाकी हुकूमत के छिती तनकीद जो निशानो बनाया संदस चवण तो अमन की दावा कंदड़ खेन एक सिक्को भी ना दिनो लैंड ऑर्डर के हवाले से बात करूं हमेशा वो डिस्कस करते हैं कि हमने किया उन्होंने कुछ नहीं किया। आज तक प्रेस के दोस्त गवाह हैं मैं हमेशा कहता हूं आज तक सिंगल पेनी उन्होंने नहीं दी है कराची ऑपरेशन जिसका डिस्कस कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट अपने आम से करती है। सोहेल छाल चवण तो अमन मामले में हाँ को भी कंप्रोमाइज न किया वो कराची हाँ दुनिया के उन मुल्क मुकाबले काफी बेहतर है जिते बदअमनी है पुलिस जो पगारू बेन सूबन मुकाबले इतने वधिक आहिन 80 अरब रुपये की बजट से हथियार और बेहतर साजो सामान खरीद किया वो है। कैमरामैन मुस्तफा रिन सा गड फयाज कुरैशी सिंध टीवी न्यूज कराची।